मुंगेर जिले के संग्रामपुर प्रखंड कार्यालय परिसर स्थित अम्बेडकर भवन में रवि महोत्सव 2022 के तहत कृषि कर्मशाला सह प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रखंड विकास पदाधिकारी अजेश कुमार थे। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि के साथ अनुमंडल कृषि पदाधिकारी संदीप राज, उप प्रमुख सचिन कुमार, प्रखंड कृषि पदाधिकारी अमरेंद्र बहादुर सिंह, पशुपालन पदाधिकारी डॉक्टर संजय कुमार सिंह, जदयू प्रखंड अध्यक्ष कमल नयन सिंह आदि के द्वारा संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया गया। कार्यशाला में 5 वैसे किसानों के बीच जिनका OTP पहले जनरेट किया दिया गया था, उनके बीच गेहूँ के बीज का वितरण किया गया। मुख्य अतिथि प्रखंड विकास पदाधिकारी ने कहा कि कृषि विभाग द्वारा किसानों के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही है, परंतु जानकारी के अभाव में किसान इसका लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। इस तरह के कर्मशाला किसानों को जागरूक करने में सहायक होगी। कर्मशाला में बीज वितरण योजना, कृषि यांत्रिकीकरण योजना, प्रधानमंत्री कृषि सम्मान योजना, धान अधिप्राप्ति योजना एवं पशुपालन आदि के संबंध में जानकारी दी गई। अनुमंडल कृषि पदाधिकारी ने बताया कि अभी सिर्फ प्रखंड क्षेत्र के किसानों के लिए 80 क्विंटल गेहूं का बीज अनुदानित दर पर उपलब्ध कराने के लिए आवंटित हुआ है। बाद में चना, मसूर, राई, सरसों आदि के भी बीज उपलब्ध होने पर किसानों के बीज अनुदानित दर पर उपलब्ध कराया जाएगा। इसके लिए किसानों को रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य होगा। OTP जनरेट होने के बाद ही उन्हें अनुदानित दर पर बीज उपलब्ध कराया जाएगा। उन्होंने कहा, आधुनिक खेती अपनाकर किसान अपनी पैदावार बढ़ा सकते हैं। उन्होंने जलवायु परिवर्तन के अनुसार किसानों को खेती करने की सलाह दी। मौके पर पशुपालन पदाधिकारी संजय कुमार सिंह, BTM रंजीत कुमार, ATM प्रभात कुमार, कृषि समन्वयक राकेश झा, श्रावण राज, पंकज कुमार, शंभु कुमार के साथ साथ प्रखंड क्षेत्र के सभी किसान सलाहकार एवं दर्जनों की संख्या में किसान मौजूद थे। ये गेहूँ जो हम लोग बीज वितरण कर रहे हैं, उसकी वैरायटी और उसका जो गुण दोष है उसके बारे में हमें एक बार बता देते हैं। ये वैरायटी हम लोग पहले PBW 343 आती थी, उसकी वैरायटी की बहुत डिमांड थी और 1999 तक हमारे जो भी जितने भी इधर आसपास के एरिया है वहाँ पे काफ़ी अच्छी इसकी खेती होती थी। फिर क्या हुआ कि वहाँ पे वो रस्ट जो होती है गेहूँ की बीमारी, वो उसमें लगनी शुरू हो गई और HD 2967 वैरायटी के प्रादुर्भाव के बाद उसका धीरे धीरे खेती से वो प्रचलन से बाहर हो गई। तो सरकार ने इसको फिर नए सिरे से जेनेटिक इसमें कुछ सुधार लाया है और जो रस्ट की बीमारी थी उसके प्रति इसमें रेजिस्टेंस पैदा किया गया और अब ये जो है वापस हम लोग को उन्नत PBW 343 के रूप में पंजाब कृषि विश्वविद्यालय से बीज मंगवाए गए हैं, काफ़ी अच्छी क्वालिटी के हैं। ट्रेनिंग में हमारे सामने अभी तो हम लोग को 100 किसान के आसपास दिख रहे हैं। हम लोग ने जो इंस्ट्रक्शन दिया था वो कम से कम सभी पंचायतों से 10-10 किसानों को, जो प्रगतिशील किसान है उसको हमारे समन्वयक और सलाहकार उनको यहाँ पे बुलाना था ट्रेनिंग के लिए। पंचायतों से किसान नहीं है उन पे हम लोग अलग से कॉल्स करेंगे और वहाँ पे उन पंचायतों में पंचायत स्तर पे ही एक मिनी रबी महोत्सव जो हम लोग का है हमारे चिप चौपाल के रूप में हम लोग उसको निश्चित रूप से अगले इसी सप्ताह में करवाएंगे। देखिए 30 अगस्त तक किन पंचायतों में कितना आच्छादन था वो हमारे नजरी आकलन करके कितना खेत खाली है वहाँ पे जितने भी हमारे मुखिया या प्रतिनिधि सबसे एक राय सलाह लेकर कहाँ कितने क्षेत्र में लगाया गया है धान, उसके आधार पर हम लोगों ने एक रिपोर्ट दी थी। उसमें जिनका 70% से कम आच्छादन था, मतलब जितना खेती योग्य रकबा है उसका 70% से कम कहीं पे अगर रोपनी हुई है, वो 30 अगस्त के टाइम की बात हम लोग का है, उस समय मांगा गया था उसको ही प्रतिवेदित किया गया था। और इसके आगे जो भी सरकारी जो आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा जो भी बांटा जा रहा है उसमें कृषि विभाग से हम लोग से कोई भी इनपुट अलग से नहीं लिया गया। मेरा परिचय हुआ, मैं संदीप राज, अनुमंडल कृषि पदाधिकारी, तारापुर।